केंद्र सरकार नवी शिक्षण नीति तो ला रही है, पण अमलवारी करावशे कोण? कॉलेजों में भणावशे कोण? राज्य की सरकारी कॉलेजों में 15-20% अध्यापकों की अछत ने लईने टेक्निकल कॉलेज अध्यापकों सरकार की नीति सामे हैयावरा ठालवी छे। राज्य की टेक्निकल कॉलेजों की चौंकावनारी हकीकत सामे आवी छे। राज्य की पॉलिटेक्निक अध्यापक महामंडल महामंत्री कहूं कि टेक्निकल कॉलेजों में सौथी मोटी समस्या सपोर्टिंग स्टाफ की छे। डिजिटलाइजेशन दावा वच्चे 2015-16 पछी गुजरात में कोईपण टेक्निकल कॉलेज में कम्प्यूटर की खरीदी थई नथी। कॉलेज में वर्कशॉपनो स्टाफ टेक्निकल आसिस्टंट वर्ग 4 की जगह खाली है। सरकारनो नियम छे छतां फेकल्टी ने क्वालिटी अपग्रेडेशन माटे उच्च अभ्यास माटे मोकलवामां आवती नथी। आ वखते सरकारी कॉलेजना 80 अध्यापकों ने मास्टर की पीएचडी माटे मोकलवाना हता, परंतु अध्यापकों एडमिशन लई फी भरी छतां 80 अध्यापकों माटे सरकारे हायर स्टडी नो ऑर्डर कर्यो नथी। गुजरात में टेक्निकल एज्युकेशन कॉलेज में सौथी मोटो प्रॉब्लम छे सपोर्टिंग स्टाफ नो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नो रेपिड चेन्जीस। एक एक खाली नानू एवं एक्जाम्पल आपू के 2015-16 पछी मोटा भागे कोईपण कॉलेजों में गुजरात में टेक्निकल एज्युकेशन 51 कॉलेजों छे, कोईपण कॉलेज में मोटा भागे कम्प्यूटर की खरीदी नहीं थी। 6-7 वर्ष कम्प्यूटर की खरीदी ना थी हो, आपणे डिजिटलाइजेशन आईसीटी इनेबलमेंट की बात करिए। तो अध्यापक मंडल सरकारी इजनेरी कॉलेजना प्रमुख डॉक्टर डीएस पटेले कहू कि सरकारनी पॉलिसी सारी छे, परंतु अमलवारीनी जमीनी वास्तविकता अलग छे। कॉलेजना आचार्य ने इक्विपमेंटनी खरीदी माटेनी सत्ता 20,000 सुधी मर्यादित छे, जेथी तेओ वधु खरीदी करी शकता नथी अने शिक्षण विभाग में दरखास्त करवी पड़े छे। जो कोई मटीरियल मंगावू होय तो ते आवता 2 वर्ष लागी जाय छे। अध्यापक ने एकेडेमिक कामगीरीनी साथे नॉन एकेडेमिक कामगीरी सौंपवामां आवे छे, जेथी सीधी असर शिक्षण पर पड़े छे। भुजनी कॉलेज में वर्ग 3 नो एक पण कर्मचारी नथी। आ सिवाय अमुक ब्रांच में अध्यापकों की हजू 15-20% जग्याओनी घट छे। एक्सक्लूसिवली द फेकल्टी इज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, ये सिवाय नी कोई पण कामगीरी एनी जोड़े करावामां आवे नहीं। हवे आ बधी कामगीरी शुं कामे करावामां आवी रही छे? कारण के ये जे कामगीरी बिन शैक्षणिक जे माटे वर्ग 3 अने वर्ग 4 कर्मचारीओनी रिक्वायरमेंट छे, एमां मोटा भागे छेल्ला 8-10 वर्षमां भर्तीओ पर्याप्त मात्रामां थई